हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सबसे पहले इसकी पहचान, यानी कि किस प्रकार से हम उस वाक्य को, उस टेंस को, उस सेंटेंस को हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले पहचान की तरफ, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहे होंगे ऐसे शब्द आए और वाक्य में समय भी दिया हो, तो ऐसे वाक्य जब आते हैं तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहे होंगे होंगे शब्द आए और वाक्य में समय भी दिया हो, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आए और वाक्य में समय भी दिया हो, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। नियम, इसमें सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। आई और वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई और वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं।
आई और वी कर्ता के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला को लगाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी भी जोड़ा जाता है, प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फार, समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद टाइम लिखा जाता है। तो पिछले वीडियो में सिंस और फार का प्रयोग के बारे में हम बताए थे, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। जैसे राम 2 घंटे से ऐसे अपना काम कर रहा होगा, राम 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा, इसमें रहा होगा शब्द आया है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और इसके नियम है कि आई और वी कर्ता के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी राम, राम, फिर इसके बाद सहायक क्रिया शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो राम के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, राम विल हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब डू, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, डूइंग हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क, समय निश्चित नहीं है इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग होगा, फार 2 hours। राम विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। एक और एग्जाम्पल, बच्चे 3 बजे से 3 बजे में क्रिकेट खेल रहे होंगे, बच्चे 3 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन विल हैव बीन, द चिल्ड्रेन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड और समय निश्चित है 3 बजे से
तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस सिंस 3 o'clock, 3 o'clock, द चिल्ड्रेन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस 3 o'clock। तो इस प्रकार इसका हम अनुवाद करते हैं एक बार फिर से। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आए और वाक्य में समय भी दिया हो, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसमें सहायक क्रिया शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव बीन का प्रयोग आई और वी सब्जेक्ट के साथ होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आई एन जी जोड़ते हैं। सिंस और फार के लिए यदि निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।